नमोसेना इंडिया द्वारा उजियारी देवी मंदिर प्रांगण नेहरू नगर कानपुर में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर संत श्री करपात्री जी महाराज रामकथा सुनाएंगे। संत श्री करपात्री जी महाराज ने आज प्रेस वार्ता में पूरे कार्यक्रम की बारे में प्रेस कर्मियों को बताया। ईशान टाइम्स के लिए कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जो हमारा यहाँ उजियारी देवी मंदिर है नेहरू नगर में, तो उसके लिए हमारे महाराज जी श्री राम कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है और उसके लिए हमारे कृपात्री जी महाराज अयोध्या से आए हैं। नेहरू नगर में माँ उजियारी देवी का मंदिर है, तो वहाँ पर आज राम कथा दोपहर से शुरू होगी। तो महाराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के संदर्भ में है। महाराज जी राम कथा का बहुत विस्तार से वहाँ पर वर्णन करेंगे और हम लोग को भगवान राम की जो विशेष महत्ता है उसके बारे में हम सब लोगों को अवगत करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे जो नमो सेना है उसकी तरफ से किया गया है। हमारे उसके अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी हैं और हमारे वहाँ उसके जो संरक्षक हैं डॉक्टर आरती मोहन जी, और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे कानपुर वासियों को महाराज जी विशेष आशीर्वाद दें, विशेष कृपा दें। हमारे साथ नमो सेना के सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और हम चाहेंगे डॉक्टर आरती मोहन से दो शब्द। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीच में जो हमारे गुरु महाराज जी हैं वो बैठे हुए हैं और राम कथा का आह्वान करेंगे, तो बस इसी संदर्भ में उनसे हम लोग कुछ उनकी वाणी से उनकी अमृत वर्षा कराएंगे और पूछेंगे। कितने दिनों तक की है ये? आज एक दिन में है कि 18 से 24 चलेगी और 25 को भंडारे का आयोजन है। और हमारी आप सब लोगों से, भक्तों से अनुरोध है कि सब लोग वहाँ पहुँचे और भगवान राम की जो कथा होगी उसमें जो भी अमृत वर्षा होगी उस अमृत का सेवन करें। दोपहर में 2 से 5 आए, अमृत पान करें, अमृत भगवान राम की जो कथा होगी उस गागर में सागर भर लेने की महाराज जी में अद्भुत क्षमता है। आप लोग सब लोग आकर के विशेष आशीर्वाद लें। कुछ सवाल कुछ लोग करना चाहते हो तो कर लें। महाराज जी आप बताइए, आज श्री राम मंदिर बन रहा है और उसके लिए समर्पण वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो आपकी कथा में क्या संदेश दिया जाए? भगवान श्री राम, महाराज जी आगे रखेंगे, भगवान श्री राम जी का जो राम मंदिर बन रहा है और राम जी का मंदिर नहीं बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान का मंदिर बन रहा है, क्योंकि राम जो है राम जी नाट गार्ड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल द यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माम मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। जो राम मतलब होता है राष्ट्र, माम मतलब होता है मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम है। और ये जो मंदिर बन रहा है ये राष्ट्र का मंगल का मंदिर बन रहा है, पूरे विश्व का मंदिर बन रहा है, राम का हृदय मंदिर बन रहा है। इसका जो समर्पण हो रहा है, समर्पण हम लोगों को धन की बहुत ख्वाहिश नहीं, मुझे बहुत धन चाहिए, आप 10 रुपये का 50 रुपये के ऊपर में ले लीजिए, लेकिन ये आप सीना ठोकर के कह सकें कि हमारे ईंटे से राम मंदिर बना है, ये मेरा मंदिर है, राम हमारे हैं, हम राम के हैं, इसका हम लोगों ने समर्पण किया। महाराज जी आपको ये करपात्री नाम की प्रेरणा कहाँ से मिली जी? क्योंकि प्रश्न सुन लीजिए, क्योंकि मेरे आयु वर्ग के लोग जो हैं वो ये जानते हैं करपात्री जी एक देश के चोटी के संत हुआ करते थे, जिनको स्वामी निरंजन देव तीर्थपुरी शंकराचार्य आदि ने शपथ दिलाई थी, जो देश की सबसे प्रबल ताकतवर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गोहत्या केस उसमें मन समय में गोहत्या आंदोलन और तमाम माने राष्ट्रीय आयोजनों को करके जो जिन्होंने सरकार की नींद हराम कर दी थी। हम ये जानना चाहते हैं आप को इस नाम की प्रेरणा कहाँ से मिली जो आपने अपना खुद का नाम ये रखा, और दो वाक्य में उनके जीवन वृत्तांत के बारे में कुछ कहें, ये मेरी प्रार्थना। ये धर्म सम्राट मान्य श्री करपात्री जी महाराज प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, और जब मैं MSc जी में पढ़ रहा था तो बड़ा दिन में सरयू किनारे में गया हुआ था और उसको बुला करके कहा बेटा कहाँ रहने वाले हैं? हमने कहा मैं अयोध्या धाम का रहने वाला हूँ। कहें कि तो मुझे आप जानते हो? हमने कहा मैं आपको जानता हूँ, आप करपात्री महाराज हैं। मेरे सर पे हाथ रखे, कहा मैं ना रहूँ तो देश की स्थिति क्या होगी? हमने कहा गुरु जी आप आदेश कीजिए, कहीं इसको आप उद्धार करना है। उसके बाद मैंने MSc जी किया, फिर PhD किया, उसके बाद शासन प्रशासन में आया, उसके बाद मेरे अंदर कामना बनी रही
कि 2010 का जो कुंभ मेला लगा हरिद्वार में, तो सारे संतों ने मिलकर के अखाड़ा परिषद अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानदास जी महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि चूंकि करपात्री जी के शिष्य हैं और करपात्री जी इनको आशीर्वाद दिया है, इस कारण ये पद इनको देना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर के उसको करपात्री के पद दिया। करपात्री पद में ये सब ज्यादा जानते हैं कि उसमें लिखे थे कि केवल 18 कौर मुझे भोजन करना है, मात्र 18 कौर भोजन करना है, वो भी केवल हाथ पर रख के भोजन करना है। मैं चावल दाल नहीं खा पाता हूँ, अगर किसी ने हाथ पर रख के दिया तो मैं भले पा लूँ चावल दाल, और रोटी रख देते हैं और सुखी वो देते हैं। कपड़ा हम लोग ऐसे ही पहनेंगे, खड़ाओं पर चलेंगे, और भूमि शयन है, तथा का शयन है, और चाय पीने के लिए एक छोटा सा पात्र नारियल का, चूँकि गर्म होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आजीवन में कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यदि आप पूछेंगे मैं इस भेष में कैसे आया हूँ, इसके लिए विशेष कारण है। मैं चूँकि अयोध्या में मैं था जब राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था वानपुर में, तो अयोध्या के घाट में बैठा था। एक लड़की मेरे पास आई और कही, साहब आपसे मेरी एक प्रार्थना है। मैंने कहा, बोलो बेटा। कि अभी साल भर पहले मेरा विवाह हुआ है और हमारे पति शहीद हो गए हैं, उनकी ये चिता जल रही है, मैं आपको एक सामान देना चाहती हूँ, अगर उस सामान को आप स्वीकार करें मैं आपको दे दूँ। मैंने कहा, ला बेटी। जब सामान लाया तो सामान एक लाल कपड़े बांध के सामान मुझको दिया। हमने कहा, क्या है मेरी बेटी? कहा, साहब ये मेरे माथे का मंगलसूत्र है, कभी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने तो मेरे माथे का मंगलसूत्र उसमें लगा दीजिए। तो मैंने कहा, नौकरी करना बेकार है, सब निकल पड़ना है। उस दिन से पूर्ण आजीवन काल के लिए हम देश में जाते हैं। लेकिन स्थिति है कि मुझे परम खुशी हो रही है कि कानपुर में डॉक्टर साहब के सानिध्य में, इनके सानिध्य में, कानपुर के वासियों के सानिध्य में, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो ये नमो सेना का मंथन मनाया जा रहा है। अब ये मेरी कथाओं का जिनका गया मेरे पास फेसबुक पे, अब पूरे हिंदुस्तान के सब जगह से मेरी कथाओं डिमांड आ रही हैं, क्योंकि तो आपको शायद पता होगा, यदि आप गूगल उठा के देखेंगे, डिबेट मेरा देखेंगे, तो मैं राम जन्मभूमि का प्रमुख जो है वक्ता रहा, राम जन्मभूमि का। अभी 4 अगस्त को जब पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि मैं मातम मनाऊंगा, जब चाइना के लोगों ने कहा मैं मातम मनाऊंगा, जब इंडोनेशिया का रक्षा मंत्री कहा कि मैं वहाँ पर राम जन्मभूमि नहीं बनने दूंगा, अमेरिका का रक्षा मंत्री बोल रहा था, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में 4 भाषाओं का जवाब देने के लिए मुझे टीवी चैनल वालों बैठाया। तो मैंने पाकिस्तान से कहा था कि तेरे यहाँ रक्षा का जो बजट है, तुम्हारे यहाँ जो रक्षा का बजट है, इतना हमारे अयोध्या के साधु लोग गांजा पीकर चुपक देते हैं। चाइना वालों ने कहा कि आप हमें क्या समझते हैं, हम लोग बहुत बड़े हैं। हमने कहा, चाइना वाले सुन लीजिए, जितनी आंखें आपके दिन में खुली रहती हैं उतनी आंखें खुलकर हम रात में सोते हैं, हमारी निगाह तुम्हारे ऊपर है, दूसरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज राम का मंदिर नहीं बन रहा है क्योंकि राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, क्योंकि राम हमारे राष्ट्र नायक हैं। और मैं इस पावन भूमि को मैं वंदन करना चाहता हूँ कि जहाँ से दुर्गा भाभी की इस पावन भूमि पर आया हूँ, झांसी वाली रानी को बिठूर को मैं करता हूँ, ध्रुव जी की यहाँ पर किला रहा है जहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है, तो ये कानपुर की पावन भूमि हमारी बलिदानी भूमि है। इनसे मत पूछिए, ये लोग बाबू जी ने जो प्रश्न किया है इनसे पूछा जा सकता है, ये नहीं, ये नहीं, बाबू जी का प्रश्न जो है बहुत अच्छा पूछा है। आज मैं करपात्री जी के उस पद पे मैं हूँ जिसपे करपात्री रहते हैं। आज के प्रवेश में उनके कम से कम अरबों की संपदा है शंकराचार्य मार्ग पे, बनारस में दुर्गा कुंड पे है, लेकिन मैं किसी भी आश्रम पे नहीं गया हूँ, क्योंकि जब मैं करपात्री हो गया मुझे मात्र 18 कोस सिखाने का आवश्यकता है, तो सत महात्मा को ऐसे बनाने की आवश्यकता है। राम 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 तब बने जब राम पैदल यात्रा किए, हम ऐसे रह करके रामराज की स्थापना नहीं कर सकते हैं, पैदल कर सकते हैं, घरों में जा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इस कारण मैं करपात्री जी के पद पे होने के बाद भी मैं किसी भी अपने आश्रम का हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं करता हूँ कि जैसे आप चला रहे हो उसे चलाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मुझे परमात्मा मिल गए। मैं राम जी और बड़ी खुशी बात बताऊँ कि कानपुर में प्रथम बार राम जन्मभूमि से प्राण प्रतिष्ठित, मैंने वहाँ से कहा कि राम जन्मभूमि के राम जी से प्राण प्रतिष्ठित भगवान राम की अष्टाद की मूर्ति, जिसमें मैं साक्षात परमात्मा दर्शन करता हूँ, रात में अपने पास लेके चलता हूँ, रात में अपने पास सुलाता हूँ, सब सेवा करता हूँ, इस कानपुर के पावन भूमि पर प्रथम बार पधारे हुए हैं, जहाँ पर मैं बैठा हूँ और क्या आप लोग देखिएगा साक्षात वही रामलला के इसके प्राण प्रतिष्ठित राम जी मेरे पास साथ में चल रहे हैं। धन की आवश्यकता नहीं है, धन का मतलब क्या होता है, ऐसा धन होता है, साधु बड़ा कोई धन होता है क्या, राम जी से बड़ा कोई धन होता है क्या। इस कारण आप लोगों से निवेदन है कि ये मेरी कथा जो है एक क्रांतिकारी कथा है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कथा है, उनके लिए कथा है, ये राम कथा मान के आइए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मान के आइए कि हम राष्ट्र कथा सुनने जा रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है मेरा। धन्यवाद।